आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। भारतीय सेना ने नए साल पर गलवान घाटी में फहराया तिरंगा। ड्रैगन की नापाक करतूतों को दिया मुंह तोड़ जवाब। मुंबई में कोविड 19 की बढ़ी रफ्तार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में सुनवाई आज। केंद्र के आग्रह पर बनी सहमति। सिक्किम में महसूस किए गए झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.7 रही तीव्रता। वीवी के भ्रष्ट कर्मचारियों को मिले मौत की सजा, गिरती साख पर जताई चिंता। योगी सरकार ने बढ़ाई सख्ती, नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कहा जीतेंगे 350 से अधिक सीटें। संगम नगरी को आज 5000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बरेली मैराथन में भगदड़ के बाद कांग्रेसी नेता का बड़ा बयान, बोले सफल आयोजन से घबराए विरोधी, उत्साह में गिरी बच्चियां। किसानों को दी जा सकती है मुफ्त बिजली, उपभोक्ता परिषद ने फॉर्मूला देने की पेशकश की। पाकिस्तान में भीषण सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार को बचाने में 2 बसों की हुई टक्कर, 10 लोगों की मौत। सैन्य विद्रोह के बाद पहली बार म्यांमार पहुंचे विदेश सचिव, श्रृंगला सीमा सुरक्षा पर करेंगे अहम वार्ता। चीन के मीडिया पर हमले के बाद एक और समाचार वेबसाइट बंद। फ्रांस में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, IHU स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया ओमिक्रॉन से अधिक संक्रामक। शार्दुल ठाकुर ने साउथ अफ्रीका में रचा इतिहास, भारत की तरफ से टेस्ट में की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी। IPL की टीम अहमदाबाद के कोच हो सकते हैं आशीष नेहरा, जल्द होगी घोषणा। भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे कोरोना से संक्रमित, क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के CEO हाके भी चपेट में। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड में रचा इतिहास, किस साल में कीवियों पर पहली टेस्ट जीती। लखनऊ की IPL टीम ने एंडी फ्लावर को बनाया हेड कोच, गौतम गंभीर होंगे मेंटर। सिंगर सोनू निगम पूरे परिवार समेत हुए कोरोना पॉजिटिव, वीडियो शेयर कर बोले मैं मर नहीं रहा हूं। दीपिका पादुकोण के फैंस को उनके बर्थडे पर मिला सरप्राइज, रिलीज हुआ फिल्म गहराइयां का पोस्टर। खुद पर बनी नेगेटिव खबरों को पढ़कर डरा करते थे कार्तिक आर्यन, नेगेटिव पब्लिसिटी को लेकर पहली बार एक्टर ने तोड़ी चुप्पी।
अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज टली, ओमिक्रॉन की वजह से मेकर्स ने लिया फैसला। महिलाओं की नीलामी को लेकर जावेद अख्तर ने पीएम से पूछा सवाल, क्या यही है सबका साथ। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।